जबलपुर के थाना घमापुर में थाना प्रभारी की मांग को लेकर कांग्रेस ने उग्र आंदोलन किया। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व पर मोतीलाल नेहरू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के नेतृत्व में लाल माटी चांदमारी तलैया से कांग्रेस का एक विशाल जुलूस निकाला गया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष रवि सैलानी ने बताया कि पिछले 10 माह से जबलपुर थाना टीआई वही है, जिससे पूरे क्षेत्र में अराजकता फैली हुई है, जिससे नागरिकों का जीना दूभर हो गया है। गली और मोहल्लों में अवैध शराब की बिक्री तो हो ही रही है, जुआ सट्टा का भी अवैध कारोबार फल फूल रहा है। इस अवसर पर विधायक ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि थाना घमापुर में तत्काल सक्षम अधिकारी टीआई को पदस्थ किया जाए, जिससे अपराधों में रोकथाम हो सके, क्षेत्र का माहौल शांति में आ सके। महीना हो गए, पूर्णकालिक टीआई नहीं, एक सब इंस्पेक्टर को थाना प्रभारी की कमान दी गई 10 महीने। घमापुर थाना जिसमें अशिक्षा और ये कह ले कि आर्थिक अभाव वाला क्षेत्र है, और निश्चित रूप से अपराध का ग्राफ वहाँ बढ़ता है। वहाँ पूर्णकालिक टीआई जो अपने स्वयं विवेक से कानून व्यवस्था को कंट्रोल रखने के लिए खुद निर्णय ले सके, ऐसी टीआई की आवश्यकता होती है। दबाव में एक सब इंस्पेक्टर कितना कर पाएगा। पिछले दिनों पास्को एक्ट की एक घटना हुई, उसके बाद पास्को एक्ट में ना तो उसकी पदाधिकारी हमसे धमापुर क्षेत्र के एवं धमापुर के क्षेत्र के जो लोग आए हैं उनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि वहाँ पे एक निरीक्षक स्तर का अधिकारी को थाना प्रभारी के रूप में चाहते हैं। उनका ये कहना है कि सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी के हिसाब से वो जो थाना क्षेत्र है वो अत्यंत ही संवेदनशील एवं गंभीर है। इस वजह से उनकी मांग है कि कोई निरीक्षक स्तर के अधिकारी आए जो अनुभवी हैं, तो उसमें और बेहतर तरीके से वहाँ सुचारू रूप से पुलिसिंग होता है। चाकूबाजी की वारदात को लेकर के ने